मुझे और मोहब्बत दे, ए बाप बरकत दे, रूहे पाक बरकत दे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, खुदावन यीशु के पाक पवित्र चरणों में हालेलुया। ए बाप, आपके चरणों में हम आते हैं। Father, we come to your holy feet in the holy name of our Lord Jesus Christ. हमें बरकत दे। Bless us, O God. अपने वचन को हम पर नाजिल कर, प्रकट कर। Lord, express and reveal your word to us. हमारी रक्षा कर। Protect us, O God. रहनुमाई अगुवाई कर हमारी। Lead us and guide us, Father. तेरा प्यार बड़ा अनमोल है। Your love is so precious. पिताजी, बड़े शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें सौभाग्य दिया है कि हम आपको पिता, ऐ बाप, अब्बा कह के पुकार सकते हैं। Father, we thank you that you've given us the privilege of calling you God, our Father, Abba. इस सौभाग्य के लिए हम शुक्रगुजार हैं। We thank you for this privilege. एक बार फिर खुदावन्द यीशु, तेरे पवित्र चरणों में हम आते हैं। Lord Jesus, once again we arrive at your holy feet. तेरे प्यार को महसूस करते हुए। We experience your love. तेरी उस आत्मा की संगति को महसूस करते हुए। We experience the fellowship, the communion of your spirit. तेरे पाक रूह की उस रहनुमाई में चलने के लिए खुदावन हम अपने आप को सुपुर्द करते हैं। Lord, we surrender ourselves so that we would be living in the guidance and the leadership of your holy spirit. हमारी सोचों को बदल दे, ट्रांसफॉर्म आवर थिंकिंग ओ गॉड। हमारे ख्यालों को बदल दे पिताजी, ट्रांसफॉर्म आवर थॉट्स। कुछ भी ऐसा ना हो जो आपको ना पसंद हो। लेट नथिंग हैपन दैट डिसप्लीजेस यू फादर। शैतान की सारी युक्तियों को हम पहले से ही तेरे चरणों में लाकर उससे हुक्म देते हैं कि खुदावन यीशु के नाम से हमारे जिंदगियों, ख्यालों से, खानदानों से जाती रहे। Lord, we take all the schemes of Satan, we bring them to your feet, and we command in the name of Jesus that these things will leave our lives and the lives of our family members. Hum tere bachche hone ke nate khudawan aapki khudawan rehnumai mein chalna chahte hain. Because we are your children, Lord, we want to be led and guided by you. Aap hame sikhaye, you teach us. Hame yaad dilaye apne baaton ko. Remind us of your things. Hamari agwai kare. Lead us. पवित्र आत्मा हमें खुदा बाप के पास करीबी में और नजदीकी में लेके चल। Holy Spirit, take us closer, even closer to the Father in heaven. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Hallelujah. परमेश्वर के नाम को जलाल मिले। हालेलुया। पिताजी, शुक्रिया अदा करते हैं। We thank the Lord. धन्यवाद करते हैं। जलाल देते। We thank you, we glorify you, Lord. We thank you as we glorify your name. Hallelujah. Hallelujah. यीशु के पवित्र नाम से दुआ मांगते हैं। We pray in the holy name of our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. प्रिय जनों, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आपका सबका अभिनंदन, स्वागत करते हैं प्रभु के वचन की सेविकाई में। Dearly beloved, we welcome and greet each one of you in the presence of our Lord Jesus Christ as we minister from his word. प्रभु का वचन जो है वो हर जिंदगी के पहलू के लिए हमें जो है कुछ ना कुछ हदायतें देता है, सिखाता है, याद दिलाता है। द वर्ड ऑफ गॉड गिव्स अस इंस्ट्रक्शंस फॉर एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। इट टीचेस अस समथिंग अबाउट एवरी एरिया ऑफ आवर लाइफ। आज जब हम फादर्स डे, पिताओं का सम्मान करने का, उनको आदर देने का जो दिन मनाया जाता है, उस समय भी हम परमेश्वर की वाणी से, उसके वचन से बहुत सी बातों को हम सीख सकते हैं। दिस डे एज वी सेलिब्रेट फादर्स डे, व्हेन वी ऑनर गॉड, ऑनर पीपल, ऑनर फादर्स बेस्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, वी वांट टू लुक एट व्हाट गॉड हैज टू से फ्रॉम हिज वर्ड अबाउट दैट। पिता जो है एक स्वर्गीय चरित्र है परमेश्वर का। Father actually displays a heavenly character of God. उसने आदम और हवा को अपनी छवि, अपनी सूरत से रचा के वो उनके बच्चों के मन बिल्कुल हूबहू वैसे हों जैसे पिता परमेश्वर आप हैं। द
The Lord God created Adam and Eve in His image and His likeness, so they would actually be just like Him. They would look like Him and be His children. तो परमेश्वर जो है शुरुआत से ही यहां तक आदम और हवा के पैदा होने से पहले ही उस पिता के चरित्र को कैरी करते हैं, उनके अंदर वो पाया जाता है. एंड दैट इज व्हाई बिफोर पीपल आर बोर्न दे कैरी द इमेज ऑफ गॉड दैट वाज प्लेस्ड इन एडम एंड ईव एट क्रिएशन. ये उसका एक आशीष, उसकी बरकत है कि उसने वो जो अपना गुण है वो इंसान के साथ शेयर किया, उसके साथ बांटा है. एंड दिस इज अ ब्लेसिंग, दिस इज अ ग्रेस फ्रॉम गॉड दैट ही टुक ऑफ हिमसेल्फ एंड ही शेयर्ड हिमसेल्फ विद मैनकाइंड. उसने अपना वो पिता होने का गुण जो है इंसान के साथ बांटा, उसके साथ शेयर किया है. He took that character, that nature of a father that was within him and he shared it with man. ये हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ये फर्ज है, ये हमारे लिए अनिवार्य है कि हम अपने स्वर्गीय पिता की जो है सम्मान करें, इज्जत करें, उसके नाम को महिमा जलाल दें. It is therefore our responsibility, our calling and our duty that we honor our heavenly father. पहले दस हुक्म से पहला हुक्म है कि परमेश्वर की सजदा कर, सम्मान कर, उसकी आराधना कर. The first commandment is to honor God, to worship God. उसी परमेश्वर ने दस हुक्मों में से कहा है कि अपने माँ बाप की इज्जत किया कर, सम्मान किया कर. And the same God said in the Ten Commandments, honor your mother and your father. जो स्वर्गीय पिता की आदर सम्मान करेगा वो अपने जमीनी पेरेंट्स की भी इज्जत करेगा. He who honors his heavenly father, they that honor the heavenly father will honor their earthly mother and father. ये कोई सलाह नहीं है, सुझाव नहीं है, ये कोई ऐसा कथन नहीं है जो बस रटने का श्लोक है. ये खुदावन की ओर से हुक्म है, आज्ञा है, हमारे लिए अनिवार्य है कि उसको पूरा किया. This is not a suggestion, this is not optional, this is not just some advice or a saying that you need to memorize. This is a command given to us by God. क्योंकि इंसान भूल जाता है, इसलिए जो है ये दिन जो है एक त्योहार के मानद, रिमाइंडर के तौर पर हमारे लिए जो है लाए जा रहे हैं. एंड बिकॉज पीपल हैव ए टेंडेंसी टू फॉरगेट, दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू ब्रिंग आवर फोकस एंड आवर मेमोरी बैक टू द फैक्ट. 1909 में एक बेटी सोनोरा बहन, जो बच्ची है, जो बेटी है, उस वो एक चर्च में बैठी मदर्स डे पर एक वचन को सुन रही थी. In 1909, there was a young girl called Sonora. She was listening to the word of God in church on Mother's Day. Sonora Smart जो है प्रभु का वचन सुन रही, परमेश्वर की चर्च में बैठी हुई है 1909 में. पर उसकी माँ का देहांत हो चुका था, पर वो उसके पिता ने उसकी परवरिश करी, तो उसको बड़ा लग रहा है कि माँ के बारे में बोला जा रहा है, माँ के बारे में बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है और पिता के बारे में कुछ याद नहीं दिया जा रहा है, जिसने उसकी परवरिश करी है, जिसने उसे रक्षा करी, जिसने संभाला है. तो उसके मन में ये बात आई कि क्यों ना पिताओं का भी एक अलग से दिन मनाया जाना चाहिए. दिस लिटिल गर्ल वॉज सिटिंग ऑन मदर्स डे इन हर चर्च लिसनिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, बट शी वॉज एक्चुअली रेज्ड बाय हर फादर बिकॉज हर मदर वॉज पास्ड अवे. एंड शी हर्ड द वर्ड ऑफ गॉड, शी सेड, यू नो, सो मच गुड इज बीइंग सेड अबाउट मदर्स, बट हाउ अबाउट फादर्स, बिकॉज आई वॉज रेज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय माई फादर, नथिंग इज बीइंग सेड बाय हिम. सो शी डिजायर्ड दैट देयर बी अ फादर डे, फादर्स डे टू ऑनर फादर्स. तो प्रियजनों, आप में से अगर कोई शख्स उस सोनोरा स्मार्ट डॉट जो बहन है उसके साथ कोई रिलेट करता हुआ सोच रहा होगा कि हाँ फादर्स डे भी बनाया जाना चाहिए, तो इसीलिए आपको ये रिमाइंडर के तौर पर बताया जा रहा है कि जितनी हमें माँ की इज्जत करनी है उतनी पिता की भी इज्जत करनी है. दोनों को इज्जत सत्कार देने के लिए परमेश्वर ने हुक्म दिया है. सो इफ एनीवन अमंगस्ट यू माय डियरली बिलोवेड आर लाइक सोनोरा स्मार्ट डॉट एंड यू थिंकिंग दैट फादर शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड ऑनर्ड ऑन अ डे, दिस डे ऑनर्स फादर्स. इन फैक्ट वी बिलीव इन ऑनरिंग बोथ मदर्स एंड फादर्स, बोथ डिजर्व ऑनर. 1924 में प्रेसिडेंट कैल्विन कूलिज ने इसको जो है पूरे नेशन वाइड में फादर्स डे मनाने का इख्तियार दे दिया, उसको एंडोर्समेंट दी है. एंड सो इट वाज इन 1924 दैट प्रेसिडेंट कैल्विन कूलिज अनाउंस दिस एज ए नेशन वाइड डे टू
honor fathers, he called it Father's Day. पर ये बेटी सनोरा स्मार्ट का इनिशिएटिव थे, उसका ये उसका ये कोशिश था, उसका उसी की ओर से उठाया गया ये एक विषय था, जो बाद में जाके 1924 में उसको जो है पूरा आदर या इंडोर्समेंट दिया गया था. But the initiative for this Father's Day for honoring fathers was because of the little girl Sonora Smart Dodd, who had this desire that her father be honored just as mothers are being honored. उसके मन में ख्वाहिश थी कि पिताओं को इज्जत दी जाए, सम्मान किया जाए, उनको याद किया जाए, पिता के उस इख्तियार को, उसके उस रोल को, उसके अभिनय को सम्मानित किया जाना चाहिए. She had this desire that fathers should be honored, they should be respected, and the role that they play should be acknowledged. तो प्रियजन, प्रतिदिन के लिए यह हुक्म है कि हम अपने मां बाप की इज्जत करें. So dearly beloved, for every day of our lives, the command has been given to honor our mother and father. पर क्योंकि हम भूल जाते हैं, इसलिए रिमाइंडर के तौर पर त्योहार टाइप, त्योहार जैसे ये दिनों का अलग से रखा हुआ है, ताकि ये हमें रिमाइंड करते रहे, याद दिलाते रहे कि पिताओं का, माओं का एक खास रोल है, उनको खास सम्मान और इज्जत देनी है. And because there's a tendency for us to forget, there are these two days that are celebration days that we honor our mothers and our fathers, and it reminds us to do so. तो स्वर्गीय पिता का सम्मान बनता है, जमीनी पेरेंट्स का, जमीनी पिताओं का एक सम्मान बनता है. Just as there is due honor to God the Father in heaven, there's also honor due to human fathers on earth. तो हम जैसे पिता परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसी के हुक्म की पालना करते हुए जमीनी पेरेंट्स का हम रिस्पेक्ट सम्मान करते हैं. एंड जस्ट एज वी ऑनर आवर हेवनली फादर गॉड, आवर हेवनली फादर, वी ऑनर आल्सो हिज वर्ड टू अस, एंड वी गिव ऑनर टू आवर मदर्स एंड फादर्स ऑन द अर्थ. ये बात समझा देना चाह रहा हूं कि क्यों परमेश्वर ने पहले ही हुक्म में ये क्यों नहीं कह दिया कि परमेश्वर को आदर और जमीनी पिता का भी आदर एक ही लाइन में क्यों नहीं कह दिया गया. आई वॉन्ट यू टू कंसिडर द फैक्ट दैट गॉड डिड नॉट चूज जस्ट वन फर्स्ट कमांडमेंट वेयर ही सेड ऑनर गॉड, वर्शिप गॉड एंड ऑनर योर मदर एंड फादर, ऑल इन द फर्स्ट कमांडमेंट इन वन सेंटेंस. क्योंकि पहला स्थान, पहला आराधना, स्तुति, पुरस्ति सिर्फ परमेश्वर को जाना है. बिकॉज द फर्स्ट प्लेस, honor, worship, glory must go only to God. बाद में जाकर नीचे दूसरे जो हुक्मों में कहा गया है कि जो जमीनी पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करना है, आदर करना है, सत्कार करना है. And then later in the following commandments it says that you must honor, respect your mother and father, your earthly parents. Puja nahi karna hai. You don't worship them. Aradhana nahi karna hai. You don't praise them. Kyunki wo sirf pehle hukm mein diye hue parmeshwar ko janta hai. Because that's only in the first commandment belongs to God. आप और मैं समझ जाएं, चाहे कि आपका जमीनी पिता या पेरेंट्स कोई भी क्यों ना हो, यू एंड आई नीड टू अंडरस्टैंड, नो मैटर व्हाट स्टेटस योर मदर एंड फादर हैव ऑन दिस अर्थ, कितने भी अच्छे वो क्यों ना हो जाएं, नो मैटर हाउ वंडरफुल दे आर, जो कि होना ही चाहिए, वो बहुत अच्छे हैं, आप सबको पेरेंट्स बहुत ही प्यारे हैं. दे मस्ट बी गुड एंड आई नो दैट योर पेरेंट्स आर वेरी वैल्यूएबल एंड वंडरफुल फॉर यू. पर परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं. बट नो वन मैचेस गॉड. क्योंकि जिनको बनाया है हमारे पेरेंट्स ने, उनके ऊपर जो सृजनहार है वो सिर्फ परमेश्वर है. बिकॉज वी आर बोर्न ऑफ आवर पेरेंट्स, बट अबव अस ऑल इज द क्रिएटर आवर गॉड, जिसको सारा सत्कार, आदर, स्तुति, पूजा, सब कुछ उसके नाम को जाना चाहिए. सो दैट ऑल द रेवरेंस एंड ग्लोरी एंड वर्शिप एंड ऑनर एंड प्रेज गोज टू हिम एंड हिम अलोन. अब एक बात समझ ली जाए कि जमीनी तौर पर जब आप कलीसियों को अटेंड करते हैं, चर्चस में जाते हैं, वहां पर पासबान, जिस तरह हम पासबान हैं, पासबान एक आत्मिक पिता का रोल करते हैं, उनको को शेपर्डिंग देते हैं, आपकी रहनुमाई करते हैं. So you must also consider the fact that as we go to churches and other places of worship, pastors are given the role of a spiritual father to lead our lives. वो जो हैं shepherding करते हैं, आपकी रहनुमाई करते हैं, आपको सिखाते हैं, वो आत्मिक तौर पर आपको जो हैं वो दिशा दिखाते हैं परमेश्वर. They function as shepherds, चरवाहों की मानिंद. They lead you, they give you direction, they teach you so that you would move forward. पवित्र शास्त्र बताता है कि जो आपको आत्मिक रहनुमाई दे, वो भी डबल ऑनर के जो हकदार हैं, उनकी भी जो सत्कार सम्मान आपको करना है. And the holy word of God tells us that double honor is due to those who teach you from the word of God. जो आपके रूहों की रहनुमाई करते, संभालते, सिखाते, प्रभु के वचन की बातें बताते हैं. Those who lead your spiritual life, who lead your souls and teach you from the word of God, are deserving of double honor. Ek reminder idhar bhi bata dena cha raha hu. Also want to tell you one thing,
कि यहां पर भी आपको कहीं जाने जाने आपने पासवान की, अपने स्पिरिचुअल आत्मिक रहनमा की पूजा करने के लिए नहीं कहा गया है। प्लीज अंडरस्टैंड, नोवेयर इज इट सेड दैट यू मस्ट वर्शिप और रेवरेंस लाइक गॉड योर स्पिरिचुअल फादर, योर पास्टर, योर लीडर। यस, उनका सम्मान बनता है। यस, honor and respect is due. वो आपकी रहनमाई गवाही करते हैं। They do guide you and lead you. आप उनके साथ जो हैं बड़े इज्जत सत्कार सम्मान के साथ पेश आए। You behave so honorably with them. क्योंकि वो आपकी रहनमाई करते हैं। Because they guide you. पर कहीं जाने अनजाने में आप कहीं उनकी इतनी सत्कार करते हो, कहीं उनकी पूजा ना करने लग जाए। But knowingly or unknowingly, don't take it to the level where you begin to worship them. ऐसा ना मंजे कहीं के वो परमेश्वर और आपके बीच में कहीं मीडिएटर या मध्यस्थ की तरह बन जाए। Let it not be that they become a mediator between you and God. कहीं वो बिचवाई ना बन जाए, बिचौला ना बन जाए, मीडिएटर ना बन जाए आपके और परमेश्वर के बीच। So that they don't become a mediator between you and God. कहीं जाने जाने में आप उनको इतना सत्कार करते करते उन्हें कहीं पूजा ना करने लग जाए। Don't knowingly or unknowingly give them such reverence that you begin to worship them. कहीं उनको इतना जो है पिता कहकर आप कहीं स्वर्गीय पिता का आदर उनको ना दे दे कहीं। Don't keep calling them fathers in such a way that you give them the place of the heavenly father. क्योंकि आपका सिर्फ एक ही स्वर्गीय पिता है जो खुदावन पिता परमेश्वर है। Because you have only one heavenly father who is God your father himself. Then आपका जिस्मानी पिता है जिसकी वजह से जिसके जो है बायोलॉजिकली शारीरिक तौर पर आप इस दुनिया में आए हैं। Then you have an earthly father through whose body you were born. तो आसमानी पिता का सबसे बड़ा मुकाम है, सबसे बड़ी जो है इज्जत सत्कार, सबसे बड़ी आराधना की पोजीशन है। सो द फर्स्ट प्लेस, द हाईएस्ट प्लेस, द प्लेस ऑफ वर्शिप बिलोंग्स टू गॉड द फादर। आप रेस्ट जो है आदर के योग्य हैं, कहीं पूजा के योग्य कोई भी नहीं है। द अदर्स आर worthy of honor but not worship. आप कह सकते हो वो बड़े आदरणीय हैं, बड़े पूजनीय हैं, वो जो मर्जी आप जो है शब्दावली यूज करें, पर आपको याद रहना कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप स्वर्गीय पिता का निरादर कर दें, उनकी इज्जत करते करते। You may use certain adjectives, certain titles like reverend and honorable, but don't ever reach a point where you begin to worship them instead of God the Father. परमेश्वर पिता हमारी सारी भक्ति आराधना स्तुति के लायक है सिर्फ। Only God our Father in heaven is worthy of all honor, praise and worship. जमीनी पेरेंट्स का बड़ा किरदार है, उनकी वजह से आप इस दुनिया में आए हैं, परमेश्वर ने उनको चुना है ताकि आप उनके जरिए से दुनिया में पैदा हो। Yes, earthly parents have a great role to play. God has chosen them to be of the channels through which you came into this world. परमेश्वर पिता जो है उसी से जो है जमीनी पिता भी सीखते हैं कि कैसे हम अच्छे जा सिद्ध कामिल पिता बन सके। एंड इवन द अर्थली फादर्स लुक एट गॉड द फादर एज एन एग्जाम्पल टू सी हाउ दे कैन बी गुड फादर्स एंड परफेक्ट इस fathers. जमीन में कोई भी कामिल या सिद्ध या संपूर्ण कोई पिता नहीं पाया जाता है। इन दिस होल अर्थ यू विल नॉट फाइंड ए सिंगल परफेक्ट ह्यूमन फादर। कोई भी सिद्ध पासवान सिद्ध पिता इस दुनिया में नहीं पाया जाता। You will not find a single perfect pastor or father upon this earth. सब जो है पिता परमेश्वर पर निर्भर है। Everyone's relying on and depending on God the Father. उसी से हम सीखते हैं। We learn from him. उसी से हम अच्छा पिता, सिद्ध पिता होने के गुण हम जो हैं सीखते हैं और अपनी जिंदगी में उतारते हैं। And we learn how to be perfect and good fathers from God and we apply it in our lives. आइए मिलकर उन कुछ गुणों को सीखे ताकि हमें पता चले कि परमेश्वर जो पिता है वो कितना प्रेमी है, कितना दयालु है। Come, let us learn certain characteristics of God so that we would learn how amazing and wonderful is our God in heaven. शास्त्र बाइबल कहती है, पिता परमेश्वर जो है वो हमसे स्नेह मोहब्बत प्यार करते हैं। The Bible tells us that God loves us as his children. वो हमारी त्रुटियां खामियों के बावजूद हमसे सिद्ध मोहब्बत करते हैं। Despite our sins and our shortcomings, he still loves us. वो हमसे पहला नहीं देखते कि हम पहले उससे मोहब्बत करें, इससे पहले कि हम उससे मोहब्बत करें वो हमसे मोहब्बत स्वयं करते हैं। In fact, he doesn't wait to see do we love him first. It says in the Bible that he loves us first before we can love him. पहला यूहन्ना
उसका 4 अध्याय उसकी 19 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने हमसे पहले मोहब्बत करी इसलिए हम उसे मोहब्बत करते हैं। In 1 John 4:19 it says, we love because he God first loved us. उसने पहले हमसे मोहब्बत करी है। He first loved us. उसने पहले हमें स्वीकार कर लिया है। He first accepted us. रोमी के खत 5:8 में लिखा हुआ है। In the book of Romans 5:8 it says, इससे परमेश्वर की मोहब्बत जो है प्रकट होती है। By this God demonstrates his own love for us. कि जब हम गुनाहगार पापी ही थे तो मसीह ने हमसे मोहब्बत करी। While we were still sinners, Christ loved us and died for us. और वो हमारे लिए मारा गया। And he died for us. John 3:16, यूहन्ना की इंजील 3:16 में लिखा हुआ है। In the book of John, the Gospel of John 3:16 it says, परमेश्वर ने जग से इतना प्यार किया, इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र यीशु हमारे लिए बख्श दिया गया। For God so loved the world that he gave his only begotten son Jesus Christ for us. हम कोई भी नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए उस पर विश्वास करें। So that none of us would perish but would have everlasting life in Jesus. ये परमेश्वर का प्यार है, उसकी मोहब्बत है। This is the love of God. वो वेट नहीं करता है हमारी। He doesn't just wait around for us. वो इंतजार नहीं करता है कब हम कामिल बने, सिद्ध बने, परफेक्ट बने। He doesn't wait for us to become perfect and absolutely accomplished. बाइबल कहती है जब हम गुनाहगार थे। The Bible says while we were still sinners. जब उसके दुश्मन थे हम। While we were his enemies. जब हम लायक नहीं थे। When we were unworthy. जब हम अच्छे नहीं थे। When we were not good. जब हम बिल्कुल बेकार, किसी के वर्थ नहीं थे। When we were absolutely useless and worthless. तब खुदा ने हमसे मोहब्बत करी है। That is when God loved us. उस अवस्था में उसने हमें स्वीकार करने के लिए अपने आप को भेज दिया। In that condition, in those circumstances, he sent himself to save us. और वो स्वयं हम जैसा बनकर ज़मीन में आ गए। And he himself became like us and came upon the earth. In between कहीं ये बात कभी मत सोचिए कि जो है परमेश्वर जो हमसे मोहब्बत नहीं करता है। Never in your life in between think that God does not love us. कि मैं खुदा के लायक नहीं। That I'm not worthy to be loved. मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। I'm not so good. मुझे इतना ज्ञान नहीं है। I don't have enough knowledge. मैं इतना जो है सुप्रसिद्ध या बड़ा जो है जाना पहचाना नहीं हूँ। I have not accomplished things. I have not reached and arrived and I'm not famous. मुझे वचन ज्ञान और बुद्धि की बातों का ज्ञान नहीं है। I do not understand the Bible. I don't have all that knowledge. मैं इतना आत्मिक नहीं हूँ। I'm not so spiritual. मुझे बहुत बातों का जो इल्म नहीं है, मैं जानता नहीं हूं, लोग मुझे जानते नहीं, ऐसी भावना आपके मन में ना आए। I don't have knowledge for so many things. I don't know many people. So many people don't even know me. हम कुछ भी ना जानते हो, हमें कोई भी ना जानता हो, परमेश्वर हमसे आज भी उतनी ही मोहब्बत करता। No, let not these thoughts come to you. Let no one know you. And even if you don't know anyone, God still loves you just as much. शैतान मन में हीन भावना, छोटा होने की, नीचे गिरने की तुच्छ भावना लेकर आएगा। The devil brings guilt complex and inferiority complex, bringing you down in your own heart. वो आपको कहेगा कि तुम खुदा के लायक नहीं हो। He will tell you you're not worthy of God. तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा। That you have to do so much. बहुत जो है तपस्याएं करनी पड़ जाएगी। That you'll have to really be devoted and sacrificial. तो किसी काम का नहीं है। The devil will say you are good for nothing. आपकी तो दुआ प्रभु सुन ही नहीं सकता है। The devil will say the God cannot hear your prayer. आप तो उसके बच्चे बन ही नहीं सकते हैं। You cannot be a child of God. वाणी क्या कहती है? What does the word say? आपने शैतान की बातों में नहीं आना है। Don't listen to the devil. बुरी नेगेटिव बातों में नहीं आना है। Don't listen to evil negative thoughts. जितनों ने उसे ग्रहण किया, यीशु को ग्रहण किया, It's written as many as received him Jesus. यूहन्ना की पहला अध्याय, जॉन्स गॉस्पल उसका पहला अध्याय, उसके 12 और 14 आयत में लिखा हुआ है। It says in the Gospel of John chapter 1 verse 12 and 14, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन सब को परमेश्वर का बच्चा बच्ची होने का हक दे दिया। As many as received him, as many as received Jesus, Jesus gave them the right to be sons and daughters of God. जितने भी As many, जहां कहीं भी हो, wherever they कहीं are, से भी आते क्यों ना, may they come from any place, किसी भी मजहब से क्यों ना आते, from any religion, कितनी भी उनकी बेकार बैकग्राउंड क्यों ना हो, no matter how bad and horrible their background पढ़े लिखे अनपढ़, जानते अनजान, सबको लिखा हुआ है। Literate, illiterate, those who have knowledgeable, those who are not knowledgeable, everyone, जितने यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, as many as receive Jesus, उन सबको बच्चा बच्ची होने का हक दे दिया। He gives them the right to be children of God, to all of them. Hallelujah. Hallelujah. आप परमेश्वर के बच्चे बन सकते हैं। You can be a child of God. आप उसे पिता, अब्बा, जो अपना
बाप कह के बुला सकते हैं। You can call him your father, you can call him Abba, Papa. और आप उसे प्रार्थना कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। You can pray to him and speak unto him. यीशु ने हमारे लिए वो एक सौभाग्य बना दिया है, रास्ता बना दिया है हमारे लिए। Jesus has given us that privilege, he has made that way for us. शुक्र खुदावन का कि वो हमसे मोहब्बत करता है। Thank the Lord that he loves us. कहीं शैतान आपको कहे तेरी किस्मत खराब है, तेरा तो ये अच्छा नहीं है, तेरा तो वो अच्छा नहीं है। Maybe the devil will say, oh, this is not right, that is not right, your stars are not aligned right, your fate is bad. आप किसी भी दिन में पैदा क्यों ना हो, no matter which day you were born, कौन सी तारीख में भी पैदा क्यों ना हो, no matter what date it was, किसी भी जगह में पैदा क्यों ना हो, no matter where you were born, आप परमेश्वर के बच्चे बन सकते हैं। You can be a child of God. परमेश्वर आपसे प्यार करता है। God loves you. लोग कहेंगे ये अच्छा नहीं दिखने को, इतना सुंदर नहीं है। People say, oh, you're not good looking. ये इतना स्मार्ट नहीं है। They'll say, you're not smart. ये तुम इतने सुंदर नहीं बने हो। You're not been created so beautiful. आप उस कंपटीशन के चक्कर में मत पड़ जाना। Don't get into that competition. सुंदर और ना सुंदर और बहुत सुंदर के चक्कर में। In being beautiful or not so beautiful or being extremely beautiful. Oh, smart, बहुत smart, smartest के चक्कर में ना पड़ जाना। To get into this competition of being the smart one or the smarter one or the smartest one. आप परमेश्वर के बच्चे बन सकते हैं। You can be a child of God. परमेश्वर आपसे प्यार करता है। God loves you. दुनिया का कोई भी शख्स आपसे प्यार ना करे। Let no one else love you in the whole world. कोई आपकी शक्ल को पसंद करे या ना करे। Whether others like your face or not. परमेश्वर ने आपको अपनी छवि, अपनी सूरत, अपने जैसा बनाया, वो आपसे प्यार करता है। God created you in his image, in his likeness, and he loves you. कोई आपका रंग, आपका रूप पसंद करे ना करे, परमेश्वर आपसे मोहब्बत करता है। Whether people like the color of your skin or how you look or not, God loves you. आपके नक्श, आपका चेहरे, आपका जो नाक, कान, मुंह, जो भी आपका कोई पसंद करे ना करे, पर परमेश्वर आपको पसंद करता। The way you look, your features, your face, your mouth, your nose, whether others like it or not, God loves you. आप जैसे भी दिखाई देते हैं, परमेश्वर वैसे ही आपसे मोहब्बत करता है। However you appear, God loves you just as you are. शैतान झूठा है और झूठ बोलता है, वो तुच्छ भावना ही भावना, छोटा होने की भावना, तिरस्कृत करने की भावना लेकर आ जाता है। The devil is a liar. He speaks lies. He brings you down. He discourages you. He brings inferiority complex. He brings guilt into your life. लोगों को निराश, मायूस करके डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में लेके चला जाता है। He causes depression, discouragement, disheartening, and he brings people into that place of hopelessness. लोगों को उनकी बुराई, उनकी जो कमियों, घटियों को याद दिलाता रहता है। He keeps reminding people of their shortcomings and their lacks. उनके गुनाहों को याद दिलाकर उनको परमेश्वर से दूर करता रहता है। He keeps reminding people of their sin and trying to separate them from God. उनको इस बात से याद दिलाकर कह देता है कि तेरी तो किस्मत ही खराब है। He keeps telling them your luck is bad. और तेरा तो ग्रह खराब है। Your stars are aligned wrong. जिस तारीख में पैदा हो वो खराब है। The date you were born is wrong. मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। I want to remind you. आप जहाँ कहीं भी है। Wherever you are. कहीं भी क्यों ना पाते हो। No matter where you are. सब ने आपको छोड़ दिया क्यों ना हो। Even if people have forsaken you. सब आपको पसंद क्यों ना करते हो। Even if others don't like you. परमेश्वर आपको बहुत याद करता है, आपसे मोहब्बत करता है, वो आपको स्वीकार करना चाहता है। God remembers you, God loves you, and he wants to receive you. वो आपसे खुश है, आपको स्वीकार करना चाहता है। He is pleased with you and he wants to receive you. वो आपके हाव भाव, आपके स्टेचर, आपके नैन नक्श, आपका सबसे मोहब्बत करता है। He loves you just as you are, short or tall, your form, your shape, everything. He loves you. उसने आपको अपने नक्श में, अपने छवि में, अपने सूरत में बनाया है। He has made you in his image and his likeness. अगर आप यीशु को ग्रहण करके उसके पास आते हैं, आपको अभी इसी वक्त बेटा बेटी होने का हक मिल जाएगा। If you receive Jesus and come to God the Father, you will receive the right just now, immediately, to be a child of God. वो ऐसा पिता है जो हमसे मोहब्बत करता है। He is a father who loves us. रोमियों का खत 8 अध्याय उसकी 38 और 39 आयत में संत पौलुस एक खास बात लिखते हैं, मैं आपके लिए दोहराना चाहता हूं। In the book of Romans chapter 8 on in verses 38 39 towards the end of the chapter, Paul writes these words I want to remind you of. पौलुस कहता है कि मैं इस बात से बहुत ही जो है विश्वास करता हूं, जो निश्चय हो चुका हूं। Paul says, I am convinced. कि ना तो मौत, ना स्वर्गदूत, ना बदरुए, ना
वर्तमान ना भविष्य. And he says, I am convinced that neither death nor life, nor angels nor demons, not the present or the future or any power. कोई भी ताकत, कोई गहराई, कोई ऊंचाई, कोई भी हमें परमेश्वर की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती है. Nor any powers, neither height nor depth, or anything else can separate us from the love of God. परमेश्वर की मोहब्बत से आपको कोई भी नहीं दूर कर सकता. No one can separate you from the love of God. बदरुवे दुष्ट ताकतें भी नहीं आपको कर सकती है. Even evil spirits, demons cannot separate you from God. ना तो वर्तमान, ना तो आने वाला भविष्य. Neither your present nor your coming future. कोई कह दे आपको आपका भविष्य ठीक नहीं, तो आपको बताना चाह रहा हूं, भविष्य परमेश्वर के हाथ में है, तो वो आपके भविष्य को जानता है, उसके हाथों में है. आप परमेश्वर के साथ रहेंगे, वो आपको इससे अलग नहीं कर सकता. If any psychic or fortune teller tells you your future's not good, I want to tell you your future is in God's hands. He loves you and nothing can separate you from His love. और उसके तहत कोई भी हमें परमेश्वर की मोहब्बत से अलग नहीं कर सकता. Paul says nobody can separate us from the love of God. अगर इससे अलग कोई बात आपको कह रहा है तो वो शैतान की तरफ से है. शैतान झूठा है, झूठ बोलता है. परमेश्वर सत्य है, उसकी वाणी सच्ची है. If anyone is saying anything opposite of what we just read, that is from the devil. Do not believe it because God is truth and he loves you. परमेश्वर पिता उड़ाऊ पुत्र जो सब कुछ उड़ा चुका था अपनी जिंदगी में, सारा अपना धन दौलत, अपना चरित्र, अपनी बातें, सब कुछ गवा चुका था, उसको रिसीव कर सकते हैं, उसको वापस ग्रहण कर सकते हैं, तो आप सबको, मुझ सबको कर सकता है वो. If God the heavenly father can receive back the prodigal son who had gone away and squandered all the wealth and all the riches that he taken from the father, if the father can receive that kind of a son back, he can receive you back and nothing can separate you from God. पर एक डाकू लटका हुआ था, उसने पश्चाताप किया, मन फिराया. पिता परमेश्वर की उस कृपा की वजह से यीशु कहते हैं, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा. There was a man, a criminal, hanging on the cross beside Jesus. He repented. He asked for forgiveness. He said, "Remember me when you come into your kingdom." And Jesus said, "Today you will be with me in paradise." पिता की ऐसी मोहब्बत है कि वो हमें स्वीकार कर लेता है. God the Father has this kind of love that He accepts us. आप जब इस पिताओं का सम्मान करने का दिन मना रहे, तो मैं आपको याद दिला रहा हूं, पिता परमेश्वर आपसे मोहब्बत करता है. On this Father's Day, as you honor earthly fathers, I want to remind you that God, your heavenly Father, loves you. वो आपसे स्नेह करता है, आपके पूरे खानदान से मोहब्बत करता है. He loves you and your entire household, your family. मैं वचन से सीख रहा था और पढ़ रहा था, पता चलता है, वाणी बता रही है, परमेश्वर हमें ना केवल मोहब्बत करता है बल्कि हमें उत्साहित करता है, हमें जो है एनकरेज करता है. You know, I was reading from the word of God, I was studying, and not only does God love us as his children, God also encourages us as his children. एक और गुण है स्वर्गीय पिता से सीखने का सब पिताओं के लिए. This is another attribute of God that we can learn from God the Father. जैसे स्वर्गीय पिता मोहब्बत करता अपने बच्चों से, जमीनी पिता सीख सकते हैं कि वो अपने बच्चों से मोहब्बत करना है. Just as the heavenly father loves his children, earthly fathers can learn to love their children. बच्चे कितने भी बिगड़ जाएं, स्वर्गीय पिता वापस स्वीकार कर लेता है. No matter how spoiled the children get, heavenly father receives them. मैं जितने पिता हैं उनको एक याद दिलाना चाह रहा हूं. I want to remind every father. हो सकता है आपका बच्चा, आपकी औलाद बहुत बिगड़ चुकी हो. Maybe your son, your daughter is spoiled. बहुत खराब उसने बर्ताव किया हो. Maybe they have behaved in a horrible way. स्वर्गीय पिता हमें माफ कर सकता है. If God the Father can forgive us, आप और मैं भी ऐसा बिहेव कर सकते. Then you and I can have the same behavior. वैसे हम भी मोहब्बत कर सकते. Just like God the Father, we can love. अगर वो हमें माफ कर सकता, तो हम भी अपने, अगर बच्चे हमारे उस स्तर पर नहीं उतरते, तो हमें भी उसे वापस स्वीकार कर सकते हैं, अगर आप परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं तो. If God can love us and forgive us, then we as human fathers can also forgive our children by following the example of God. Father's Day में अगर कोई ऐसी भावना में है कि आप अपनी औलाद को माफ नहीं कर पा रहे हैं, मोहब्बत नहीं उससे कर पा रहे, तो मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ, आप कर सकते हैं, परमेश्वर आपकी सहायता मदद करेंगे. On this Father's Day, if there's anyone who's struggling in forgiving or loving his children, I want to remind you that by the power of God and his love, you can forgive and love your children. बाइबल भी सिखा रही है कि पिता परमेश्वर अपने बच्चों को एनकरेज करता है, उत्साहित करता है उनकी. The Bible teaches us that God the Father encourages us his children. मूसा की पहली बार मुलाकात होती है परमेश्वर के साथ जलती हुई झाड़ी में.
Moses meets God for the first time in a burning bush. फिर पिता परमेश्वर उनसे बातें करने लग जाते हैं. Then the father begins to speak to him. कहता तू मेरे लिए एक अगुवा होगा इसराइलियों को छुड़ाने के लिए. And God says, I'll make you a leader, deliverer of Israel. तू मेरे लिए जो है बातें करेगा लोगों को सिखाएगा मेरी बातें लेकर मुझसे. You will speak on my behalf and you will teach people after you heard from me. तो मूसा जो है बड़े बहाने करने लग जाता है. And so Moses begins to make excuses. नहीं ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. He says no, it's a huge responsibility. मैं अच्छा प्रवक्ता नहीं बोल नहीं सकता हूँ. He says I'm not a good orator, I can't speak. मैं इतनी अच्छी रहनुमाई नहीं कर सकता हूँ. I cannot lead like that. मैं इतना लायक नहीं हूँ. I'm not worthy. मैं इतना जो है इतना स्मार्ट नहीं हूँ. I'm not so smart. अब पिता देखो होने के नाते वो इनकर्ज कर रहा है. And so see God being a father encourages him. No Moses, तुम कर सकते हो. No Moses, you can do it. मैं तेरी हेल्प करूंगा. I will help you. मैं एक असिस्टेंट दूंगा. I will give you a सहकारी. I'll give you someone मददगार for you. मैं तुम्हें तेरे हेल्प करने के लिए सहायता करने की तेरे भाई को साथ में भेजूंगा. I will send your brother as a helper for you. तुम कर सकोगे. मैं अपना नाम तुम्हें तेरे साथ भेजता हूं. You will be able to do it. I will send my name with you. मैं अपनी सामर्थ्य तुम्हें तेरे साथ भेजता हूं. I will send my power with you. साथ साथ रहूंगा. I will be with you. देखो कितनी encouragement करी जा रही है. See how much प्रोत्साहन encouragement is going on. कितने उनकी उत्साहित करके उनको आगे बढ़ाया जा रहा, उभारा जा रहा. See how much God is encouraging him. कितना खुदावंद हौसला अफजाई कर रहा है. Even Joshua को खुदावंद मूसा के मरने के बाद भी ऐसे उत्साहित कर रहे थे. Even God was encouraging Joshua after Moses had passed away. Joshua ki kitab uske pehle chapter mein dekhe ki Joshua khudaon aake utsahit karta hai jab wo bada nirash mayus baitha hua tha ki uske agwe Musa ki maut ho chuki thi. In the beginning of the book of Joshua, when Joshua is all discouraged and disheartened that his leader Moses is no more, God comes and personally encourages Joshua. Parmeshwar Joshua se baatein karne lag jata hai. God begins to speak to Joshua. Joshua uth. Joshua, rise up. अपने आप को जो है खड़ा कर. Stand up, Joshua. मूसा मर चुके हैं. Moses has passed. पर अब तू उठ खड़ा हो. Now you stand up. खड़ा हो जा. Stand up. ज़्यादा निराशा में मत बैठ. Don't sit in that discouragement. ज़्यादा उस सीज़न में मत बैठे रहे जो आपको नीचे गिराए चले जा रहा. Don't continue to live in that season where you are downcast. तू जहाँ कहीं जाएगा. Wherever you go. मैं तेरे साथ होगा. I will be with you. हिम्मत बांध. Be courageous. हियाव बांध. Be strong. ये वचन की बातें बोलना शुरू कर दे. Begin to speak the word of God. जहाँ कहीं तेरे पाँव की तली जाएगी मैं उस जमीन और जगह तुम्हें दे दूंगा. Because wherever the feet wherever your foot shall tread, I will give that land to you. मैं तेरे संग संग रहूंगा. I will be with you. आप जहां कहीं जाओगे, wherever you go, तुम्हें सफलता कामयाबी मिलेगी. You will have success and victory. देखो स्वर्गीय पिता बच्चों को कैसे उत्साहित कर रहा है. See how the heavenly father is encouraging his children. जोशुआ की किताब पहला अध्याय उसकी पहली आयत से आठवीं आयत तक पढ़ें, सब इंकरेजमेंट है जोशुआ के लिए. You go to the book of Joshua chapter 1, read from verse 1 to 8, you will see all the encouragement. उसे कहा जा रहा है मैं तेरे संग जाऊंगा, मैं तेरे साथ जाऊंगा. He's being told, I will go with you. एक की जोशुआ 1:9 में लिखा हुआ है. And then in Joshua 1:9 it says, देख मैं तुम्हें ये बात हुक्म दी है, क्यों नहीं तू जाता है इस बात? Have I not commanded you? Why aren't you going? जा, उत्साहित हो, इनकर्ज हो, उत्साहित हो, तकड़ा हो जा, मजबूत हो जा. God says, be strong, be encouraged, be courageous. निराश मत हो. Do not be terrified. Do not be discouraged. जहां कहीं तू जाएगा, wherever you go, मैं तेरे साथ साथ होऊंगा. I, the Lord your God, will be with you. Hallelujah. Hallelujah. इतना उत्साहित किया जा रहा है परमेश्वर की ओर से. See how much God is encouraging from His side. ये पिता के चरित्र है, उसके गुण है जो अपने लोगों के अंदर वो जाहिर करता है. This is part of God's nature, His character that He encourages His children. प्रियजनों, अगर आप सिर्फ एक मजहब का जो है दस्तूरों को रीति रवायतों की आप पूजा कर रहे हैं. Dearly beloved, if you're just after religion, after rites and rituals and requirements, जहाँ पर आपको सिखाया जा रहा है कि खुदावन आपके खिलाफ है, where they teach you God is against you, वो बहुत डरावना है. He is fearsome. वो बहुत भयंकर है. He is terrifying. वो तू अगर ये कर देगा तो ये हो जाएगा तेरे साथ. If you do this, this will happen. अगर ये पूरा नहीं किया तो तेरे साथ ये हो जाएगा. If you don't do fulfill this, that bad will happen. अगर आप इतनी बार ये नहीं किया, उतनी बार ये नहीं किया तो तुम्हारा ये हो जाएगा. If you don't do this so many times and that so many times, अगर आप इधर नहीं देखे, उधर नहीं देखे तो तेरे साथ बहुत बुरा होने वाला. If you don't look in this direction and that direction, something bad will happen. अगर उधर नहीं गया, उधर नहीं गया, ये नहीं किया, ये इतने बार नहीं किया तो आपको डराया जा रहा. If you don't go here, if you don't go there, if you don't do this, if you don't do it so many times, they're trying to make you fearful. अगर आप अभी खड़े हो जाओ, अभी बैठ जाओ तुम.
Now stand up. Now sit down. अब इधर जाओ उधर इधर जाओ अभी. Now go here. Now go there. महीने के इतने दिन इधर जाना है. सप्ताह के फलाने दिन इधर जाना है आपको. So many days a month you must go there. On this day of the week you must go there. आपको बाजू ऐसे करना है, नाक ऐसे करना है, मुंह इधर करना है. You have to turn your arm this way, your head this way, your nose that way. इस पोस्चर में आता है, इस पोस्चर में वो बिगड़ जाता है. In this posture, in this mudra you receive it. In that posture you lose it. ये परमेश्वर नहीं है. That is not God. वो पिता है. He's a father. आप अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं? What do you do with your kids? अगर इस साइड में बच्चा देखेगा तो बोलेगा नहीं, मैं तेरे को अपना बेटा नहीं मानता. If the child looks in this direction, will you say, no, 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 you're not my child? मेरे बच्चे आते, मेरे गोदी में बैठते, मेरे कंधों में बैठते, जैसे मर्जी करते, मैं उससे मोहब्बत करता. My children come to me, they sit in my lap, they climb my shoulder, whichever way they come, I love them, I receive them. कई बार सुनते, कई बार नहीं सुनते. Sometimes they listen, sometimes they don't even listen. हर तरीके से वो मेरे बच्चे. In every way, they are my children. अगर मैं एक जमीनी पिता होने नाते अपने बच्चों से इतना मोहब्बत करता, If I being an earthly father love my children so much, तो वो स्वर्गीय पिता कितनी हमसे मोहब्बत करता? Then he, the heavenly father, how much does he love us? रीतों रिवाजों से बाहर निकल आए. Come out of rites and rituals. मजहबी चीजों से बाहर निकले. Come out of religious thinking. सच्चे परमेश्वर के रिश्ते को एहसास करे, महसूस करे. Think about the relationship you have with the true God and experience it. जो यीशु के साथ हमें मिलता है. Which you get through Jesus. जो यीशु हमें पिता के साथ जोड़कर एक रिश्ता बना देते हैं. Because Jesus reconciles us, joins us to the Father and gives us a relationship. तो मजहब खत्म हो जाता है, रिश्ता शुरू हो जाता है. When religion ends, relationship begins. जिसमें आप आनंद करते हैं, खुशी मनाते हैं, जिसमें आपको उत्साहित किया जाता है, उभारा जाता है. In which you are joyful and you are so happy and people are encouraging you and you rise up. वो हमसे हमारी करनियों की वजह से मोहब्बत नहीं करता है, बल्कि वो हमें जैसे हैं वैसे ही मोहब्बत करता है. He doesn't just love us because of our works. He loves us just as we are. जर्मिया नौजवान एक बच्चा, उससे प्रभु बातें कर रहा था. Jeremiah was a young man and God was speaking to him. प्रभु कहता है मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा. God says I will use you. ये करूंगा, वो करूंगा. I will do this and that through you. जर्मिया कहता है मैं तो छोटा बच्चा हूं. And Jeremiah says, I'm just a young मैं child. मैं तो बहुत छोटा हूँ. I'm just a youth. तो प्रभु क्या कह रहे हैं? What is God saying? Oh, मैं तेरे माँ के गर्भ में आने से पहले से मैंने तुम्हें चुन रखा है. God says, I knew you and I chose you before you were born in your mother's womb. देखो परमेश्वर कैसे उत्साहित कर रहा है. See how God is encouraging. आपको छोटा मत समझो कह रहे हैं. He says, don't think you're small. अपनी एज मत देखो. Don't look at your age. आप अपने एक्सपीरियंस को मत देखो. Don't just look at your अनुभव. आप अपनी चीजों को, वातावरण को, अपने चारों तरफ को मत देखो. Don't just look at your circumstances, your environment. मैं तुम जैसे हो वैसे ही तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें उत्साहित करता हूँ, मैं तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता हूँ. Just as you are, I love you, I want to encourage you and I want to use you. परमेश्वर जो है encourage करने वाला, उत्साहित करने वाला, उभारने वाला परमेश्वर है. Because God is a God who encourages and lifts you up. छोटे दाऊद को इस्तेमाल कर सकता है. He can use little David. छोटे जोसेफ को यूज कर सकता है. He can use little Joseph. नौजवान डैनियल को, शद्रक मेशक अबेदनगो को इस्तेमाल कर सकता है. He can use youngsters like Daniel, Shadrach, Meshach and Abednego. वो बुजुर्गों को इस्तेमाल कर सकता है. He can use the elderly. वो बहनों को इस्तेमाल कर सकता है. He can use the sisters. नौकरों को जो कुछ भी नहीं जानते, अनपढ़ को इस्तेमाल कर सकता है. He can use servants, even the ill literate who don't know anything. अनजान लोगों को इस्तेमाल कर सकता है. He can use unknown people. पढ़े लिखे को इस्तेमाल कर सकता है. He can use the knowledgeable. वो जो है जो दुनियावी तौर पर बहुत पहुंचे हुए, उनको भी इस्तेमाल कर सकता है. Those who are very accomplished in the world, God can use them. पौलुस जैसे स्कॉलर को इस्तेमाल कर सकता है. He can use a विद्वान like Paul. किसी को भी इस्तेमाल कर. He can use anybody. सबको उत्साहित करता है परमेश्वर. God encourages all. ये परमेश्वर के गुण है. This is an attribute in nature of God. परमेश्वर के वचन में पाया जाता है. It is found in the word of God. कि परमेश्वर जो मोहब्बत करता है, the same God who loves, वो उत्साहित भी करता है. Who encourages. तीसरी बात हम सीखते हैं कि वो अपने बच्चों को डांटता भी, सुधारता भी है. The third thing we hear is he rebukes and disciplines his children. यीशु एक एग्जाम्पल बता रहे थे, एक पैराबल, एक दृष्टांत सिखा रहे थे. जीसस वॉज टीचिंग थ्रू अ पैराबल वंस. कि मैं सच्ची दाख लेता हूं और तुम टहनियां हो, शाखाओं हो. He says, I am the grapevine, the true vine, and you are my branches. जो टहनी, जो शाख, जो डाली मुझ में रहती नहीं है, उसको काट दिया जाता है.
He says the branch that does not remain in me is cut off. पर जो मुझ में रहती है और फल लेकर आती है, but the branch that stays connected to me, abides in me and bears fruit, उसको मैं काटता हूँ, छाटता हूँ कि ज़्यादा फल लेकर आए. That I trim and I prune so that it would bear more fruit. अब देखे, जो फलदार है उसकी छंटाई होती है. See, the one that is fruitful is pruned. क्योंकि वो इधर उधर ना जाए कहीं. So that doesn't go astray. गलत direction में ना जाए. So doesn't end up in the wrong direction. गलत जो है दिशा में मत जाए वो. So that it won't go in the wrong direction. इसलिए उसकी pruning हो रही है, trimming हो रही है, उसकी छंटाई हो रही है. And that is why it is being trimmed and pruned. वही उसी बात को सुधार कहते हैं, डांटना कहते हैं, फटकार कहते हैं. That is what you call discipline, rebuke and correction. परमेश्वर जिससे मोहब्बत करता है उसको सुधारता भी है, वाणी में लिखा हुआ है. The Bible says God disciplines those he loves. व्यवस्था विवरण बाइबल की पांचवी किताब आठवां अध्याय उसकी पांचवी आयत में लिखा हुआ है. In the book of Deuteronomy chapter 8 verse 5 it is written. प्रभु कहते हैं, The Lord says, अपने हृदय में इस बात को जान लो. Then know then in your heart, जैसे इंसान अपने बच्चों को डांटता है वैसे मैं तेरा परमेश्वर तुम्हें डांटता हूं, सुधारता हूं. Just as a man disciplines his children, so I the Lord your God disciplines you. जमीनी मां बाप भी डांटते हैं उसी तरीके से मैं भी डांटता हूं, तुम्हें थोड़ा सुधारता हूं, प्रभु कहते हैं. Just as earthly parents rebuke you, they correct you and discipline you, I also discipline you. ये उसका स्वभाव है, अपने मोहब्बत में, अपने स्नेह में हमें डांटता है, हमें रोकता है, हमें कई बार फटकार पड़ती है. This is his nature, in his love he stops us, he corrects us, he disciplines us, he even punishes us sometimes. ये बात, ये हवाला ये भी कह रहे हैं जमीनी जितने पिता है कि आप अपने बच्चों को डांट सकते हैं, उनको रोक सकते हैं, उनको सुधार सकते हैं. स्वर्गीय पिता ये करने की अनुमति आपको दे रहा है, ये आपकी जिम्मेदारी है स्नेही पिता होने के कारण. So the same scripture also teaches us earthly fathers that you have the God-given responsibility to correct your children, to discipline your children, to even bring changes in their lives through discipline. आप उनको जो है जो मैनिपुलेट ना करे, उनको जो है उनके खिलाफ मत जाए, उनको कोई नष्ट करने की योजना ना बनाए, बल्कि उनको सुधारे और उनको जिनको डांट सके आप सही का. Do not manipulate your children. Don't try to play tricks with them by which they go towards destruction. In fact, you should be disciplining them so that their lives improve. ये हवाला आपको उन पर अत्याचार करने की अनुमति नहीं दे रहा. This scripture, by the way, is not giving you the right to be torturing your children. आप उन पर जो है तानाशाही करें, ये हवाला उस बात के लिए नहीं कह रहा है. This scripture is not telling you to provoke and irritate your children. बाइबल कह रही है कि आप उनको स्नेह मोहब्बत के साथ सुधार सकते हैं, जो है डांट सकते हैं, गलत कामों से रोक सकते हैं. ये आपका फर्ज है, आपका काम है. The Bible says you have the right, the authority in love to discipline and correct your children. नीति वचन इम्साल 3 की 12 में भी लिखा हुआ है. In the book of Proverbs chapter 3 verse 12 it's written. प्रभु जिससे मोहब्बत करता है उसे सुधारता भी है. The Lord disciplines those he loves. जैसे एक पिता ऐसा करने में उसे खुशी महसूस होती है. As a father the son he delights in. इस तरह करने से पिता को अच्छा लगता है कि वो बिगड़ने से अपनी औलाद को बचा रहा है. A father loves it that through discipline he is able to stop his children from being spoiled. अगर हम सोचते हैं कि उनको बिगड़ने दो, जाने दो, मैं तो रोकूंगा नहीं, तो उस तरह से आपकी जो सही स्नेह मोहब्बत वो जाहिर नहीं हो रही है. If you think that you're just going to let them go and forget correcting them and disciplining them, that will not be a reflection of true love from you to them. स्नेह प्रेम करने वाले, इनकर्ज करने वाले पिता होने नाते हमें उनको कई गलत रास्तों से जाने से रोकना है. Because you are a loving father, because you are a caring father, because you really want the best for them, you're going to stop them from wrong and discipline them so that they do right. कभी कभार बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा कि पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं. Sometimes if children will not like the parents उनको नहीं अच्छा लगेगा कि ऐसा उनके साथ किया जा रहा है. They will not like being disciplined. आप इब्रानियों का खत 12 अध्याय उसकी 10 और 11 आयत में पढ़ें जो ये बात लिखी हुई है.
Come with me to the book of Hebrews chapter 12 verse 10 and 11 is written there. Likha hai hamare pita jo hain hame thodi der ke liye daantte hain aur rokte hain hame sudharte hain. Our fathers discipline us for a little while. क्योंकि ये सर्वोत्तम माना जाता है उस परिस्थिति में जहां पर आप हैं. While as they thought was best. और परमेश्वर भी वैसे ही हमारे अंदर पवित्रता ही अच्छा जो बर्ताव आए उस काम के लिए हमें डांटते हैं सुधारते हैं. But God disciplines us for our good that we may share in His holiness. लिखा है आगे. It's written further. उस समय जो डांट फटकार है वो अच्छी नहीं लगेगी टाइम बीइंग के लिए. नो डिसिप्लिन सीम्स प्लेजेंट एट द टाइम क्योंकि उससे दर्द होती है. बट पेनफुल अच्छा नहीं लगता है. इट डजंट फील गुड. डांट जो है कभी भी अच्छी नहीं लगती है. नोबडी लाइक्स बीइंग रिब्यूक्ड एंड डिसिप्लिन्ड. उसी हवाले में लिखा है बाद में इन द सेम वर्स इट सेज बट लेटर ऑन हाउएवर उस डांट फटकार सुधार की वजह से बिकॉज ऑफ दैट रिब्यूक दैट डिसिप्लिन एंड दैट करेक्शन धार्मिकता रास्तबाजी शांति अमन चैन के लिए हमारी जो ट्रेनिंग होती है हमें सिखा दिया जाता है. लेटर ऑन हाउएवर इट प्रोड्यूसेस अ हार्वेस्ट ऑफ राइटियसनेस एंड पीस फॉर दोज हु हैव बीन ट्रेन्ड बाय इट. क्या बताया जा रहा है? व्हाट इज बीइंग टोल्ड? कि ये चीजें हमें धार्मिक रास्तबाज बनने के लिए हेल्प करती है. That these things, these disciplinary actions help us to become righteous. कई बार parents कह नहीं पाते अपने बच्चों को कि आप दुआ कर लें, आप चर्च चले जाएं, आप बाइबल पढ़ लें. कहने के लिए उनको जो है लगता है कि ये उनका काम नहीं कहना. Many times parents cannot or they hesitate to tell their children pray, go to church, do the right thing. पर बाइबल कह रही है ये आपकी जिम्मेदारी है. But the Bible says this is your responsibility. अगर किसी काम में वो नहीं पूरा उतर रहे हैं. If they are not able to fulfill a certain requirement, तो बड़े स्नेह मोहब्बत से हमारा किरदार है कि उनको डांट फटकार के सुधार करते हुए उनको याद दिलाया जाए ऐसे काम के. Then with great love, it's our responsibility to teach them, to correct them, and discipline them so their lives improve. ताकि वो धार्मिक अच्छे परमेश्वर की वाणी के कामों में आगे बढ़ सके. So that they would move forward in the good righteous works of God. अगर आप देख रहे हैं कि वो गलत कामों में आगे बढ़ रहे हैं तो आपका काम है उनको रोकना, उनको नसीहत देना, उनको वहां पर जो उनको रोकथाम लगाना. If you see that they are entering into the wrong behavior and wrong works, it is your responsibility to stop them, check them, discipline them. अगर वो गुनाह जैसे कामों में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, कुछ ऐसी गलत परिस्थितियों में चले जा रहे हैं, गलत फेलोशिप में चले जा रहे हैं, तो हमारा पूरा फर्ज है वचन के मुताबिक उनको रोका जाए, डांटा जाए, सुधार किया जाए. If they are increasingly going into sinful activity, if they are increasingly going to wrong company and bad behavior, it is our spiritual responsibility to rebuke them, to check them and discipline them. उस समय वो वाकई में कभी कभार पसंद नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा उनको. At that time they will not like it. Sometimes they will absolutely dislike what you're doing. कभी कभार वो माँबाप से इस बात के लिए नफरत भी करने लग जाते हैं. Sometimes children begin to hate their parents because of the discipline. पर क्या करें, ये जिम्मेदारी बन जाती है खुदावन की ओर से. ये हमें हुक्म भी है कि उनको रोका जाए, उनको टोका जाए, उनको सुधारा जाए, उनको जो है डिसिप्लिन किया जाए. But please understand this is our responsibility given by God. We must check them, we must discipline them, we must show them the right way. ज़बूर 23 में दाऊद तेरी सोटी और तेरे लाठी से मुझे तसल्ली मिलती है. In Psalm 23, David says, "Your rod and your staff they comfort me." आप देखें कितने नबियों ने जब प्रभु के बुलाहट पाए, अभिषिक्त सेवकों ने जब भी कुछ किया है परमेश्वर ने उनको डांटा फटकारा. कई बार नबी भेजे उनको चितारने के लिए, चुनौती देने के लिए. You see the great men and women of God in the Bible when they did something wrong, God sent them. Prophets and other such teachers who would check them and rebuke them and discipline them. Bible आप पढ़ लीजिए, गुनाह चाहे साधारण शख्स ने किया है या अभिषिक्त ने किया है, किसी को छुपाया नहीं उनके गुनाह जो है बाहर किए, जाहिर किए, उनको डांटा और उनके नसीहत दी है, नतीजे भी बताएं कि क्या हुआ है उनके साथ. You check the Bible whether an ordinary person sinned or a accomplished anointed person sinned. Nobody's sin was ever swept over. It was exposed. It was confronted. They were told to do the right thing. किसी के गुनाह की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई, ना उसको खास प्रिविलेज दिया गया कि वो गुनाह कर सकता है या गलती कर सकता है. Nobody had a special privilege or right to sin. There was no justification for anybody's sin.
चाहे वो साधारण शख्स था, चाहे वो नबी था, चाहे वो कलीसियाई अगुवा था, जिसने गुनाह या गलती की उसको जाहिर किया गया, नतीजे बताए गए, वहां से परमेश्वर ने उनको डांटा फटकारा और कईयों को रोका भी। Whether they were ordinary people, whether they were prophets, anointed people, it did not matter. Everyone who sinned was confronted. The consequences of their sins were told to them and they were disciplined for their sin. बताया गया जब उन्होंने गलती की कैसे खुदा ने अपनी आत्मा उनसे ले ली। It is in fact recorded when they sinned, God withdrew His Spirit from them. जब उन्होंने अपनी बुलाहट का गलत इस्तेमाल किया, तो कैसे परमेश्वर ने जो है अपना मस्सा, अपना अभिषेक उनसे हटा लिया, अलग कर दिया। When they misused their anointing and their position, God withdrew the anointing from them. आप पढ़ सकते हैं कई नबियों के बारे में, कई जो याजकों के बारे में या उनकी औलाद के बारे में, जहां कहीं भी मिसयूज किया गया है तो परमेश्वर ने डांटा, रोका, जब नहीं हटे तो परमेश्वर ने अपना अभिषेक हटा लिया। You can read about the prophets. In fact, the priests, even the children of the priests, when they sinned, God withdrew the anointing and the power that He'd given to them. प्रियजनों, हमारा परमेश्वर जो है, वो मोहब्बत करने वाला, स्नेह करने वाला पिता परमेश्वर है। Dearly beloved, our Father is a loving God. वो हमें उत्साहित करता है कि हम उसमें, उसकी आशीषों में, उसकी बरकतों में आगे बढ़े, उत्साहित करता है इस काम के लिए। He encourages us that we keep on growing and moving forward in His righteousness and His blessings. वो हमें जो है ब्लेस करने में, आशीष देने में, वो उसे खुशी महसूस होती है। He loves, delights in blessing us. वो हमें उत्साहित करता कि हम कामयाब हो, सफल हो, बेहतरी में, तरक्की में आगे बढ़ने पाए। He encourages us to victory and through success. Jeremiah 29:11 में, 29:11 में लिखा हुआ कि उसने हमारे लिए अच्छी योजना बनाई है, सफलता की, कामयाबी की, बेहतरी की, तरक्की की हमारे लिए बनाई। In Jeremiah 29:11 it says that God has planned success for us for a good future and a hope. वो ऐसा पिता है जो हमारे लिए अच्छी अच्छी योजना बना है, प्लान बनाता है, जिसमें हम कामयाब हो, तरक्की पाए, आगे बढ़े। शैतान रुकावट डालता है, ध्यान दीजिए। He is a good father who has plans for our growth, for our success, for our moving forward. It is the devil who brings hindrances. परमेश्वर ने आपके कामकाज में, आपकी सेहत में, आपके कैरियर में बरकत, आशीष, सफलता, कामयाबी देने के लिए अच्छी योजना बनाई हुई है। God has made a good plan to bless you at your work, in your career, in everything that you do, in your business and all things. परमेश्वर ने इब्राहिम को ब्लेस किया, बड़ा रहीस बनाया। अय्यूब बहुत धनवान था, वेल्थी था, खुदा ने उसे बड़ी बरकत दी हुई थी। God blessed Abraham, he was a very wealthy man. Even Job was tremendously blessed by God. परमेश्वर हम सबको जो है सफल, कामयाब देखना चाहते हैं। Because God wants to see each one of his children succeed. ज़बूर 1 में भी लिखा है, जो प्रभु का बंदा जो है, रास्तवाज जो बंदा है, जो धर्मी बंदा है, दिन रात उसकी व्यवस्था पर मगन रहता है, जो कुछ करता है उसमें सफल, कामयाब होता। Even Psalm 1 talks about the blessed righteous person who obeys the word of the Lord, who meditates on the word of God. It says he is successful in all that he does. प्रियजनों, परमेश्वर जो हमारे लिए अच्छी योजना बनाए हुए, उत्साहित करने वाला पिता है वो। Our God, dearly beloved, is a good God. He has made great plans for us. He encourages us. वो आपको थपथपी देना चाहता है, आपको उत्साहित करना चाहता है, बीच रास्ते आने वाली हर रुकावट को दूर करना चाहते हैं। He wants to patch your back, encourage you, and remove every hindrance from your path. शैतान आएगा, आपको निराश, मायूस करेगा। The devil will come to discourage you. रुकावटें लेकर आएगा। He will come with hindrances. बुरी भावनाएं लेकर आएगा। He will come with ill feelings. बीच रास्ते रोकेगा आपको। He will block you halfway. और प्रभु का वचन कहता है, The word of God says, उसने हमारे लिए लश्करों की फौज, परमेश्वर ने सेना का, यहोवा जिसने है, उसने फरिश्तों का हजूम तैयार कर रखा है आपके लिए। That for us he has prepared a host of angels because he's the Lord of hosts. हमारी सहायता करने के लिए। So that they would help us. हमारी जंग लड़ने के लिए। So that they would fight for us. ताकि आप बेहतरी, तरक्की, उन्नति की ओर आगे बढ़ने पाए। So that you move towards betterment, success, आप कमी घटी में नहीं, भरपूरी में, आशीष में और कामयाबी में रहें। So that you would not be in lack and want, but you would be in blessing and success. आत्मिक तौर पर बरकत देने के लिए। To bless you spiritually. शारीरिक तौर पर बरकत देने। To bless you in your body. ज़हनी तौर पर बरकत देने। To bless you in your mind. परमेश्वर आपके साथ है। God is with you. आपकी तरफ है। He's on your side. अगर बीच रास्ते कहीं आप गलती, गुनाह कर रहे हैं, बीच रास्ते आप गलत जगह पर जा रहे हैं। If halfway you're making a mistake and going the wrong way. अगर कहीं बीच में आपको लग रहा है कि आप परमेश्वर के मोहब्बत जो है मिसयूज कर ले, तो ऐसा हो नहीं सकेगा। मैं आपको
If halfway you think you can just misuse the love of God, that won't work. वो आपको डांटेगा, रोकेगा, याद दिलाएगा, आपके अंतकन से बातें करेगा. He will speak to your heart. He will stop you. He will check you. He will discipline you. आज जब आप प्रभु का वचन सुनने तो शायद किसी से प्रभु बात कर रहा है कि आप उस गलत रास्ते से मुड़ जाएं, परमेश्वर की ओर आगे बढ़ जाएं. Today, as you hearing the word of God, some of you God is saying, move away from that wrong path. परमेश्वर जो है वो आपको एक अच्छा भविष्य देना चाहता है. God wants to give you a good future. वो स्वर्गीय पिता है. He is a heavenly father. अगर आप गलत रास्ते चले भी जाएं तो वापस रिसीव कर लेता है वहां. Even if you go the wrong way, he receives you back. वो आपके खिलाफ नहीं है. He's not against you. वो आपकी तरफ है. He is for you. वो आपके साथ है. He is with you. वो आपसे मोहब्बत करता है. He loves you. आपके उठने बैठने को वो जानता है. He knows you're rising up and you're sitting down. हम उसके निगाहों के सामने छुप नहीं सकते. You cannot hide from his sight. उसकी हजूरी से दूर नहीं जा सकते. You cannot run away from his presence. वो हमारे करीब है. He is near us. वो हमारा पिता है. He's our father. उसने कहा जब तुम दुआ किया करो तो कहा करो ए हमारे बाप. Jesus said when you pray, say our heavenly father. ऐसा सौभाग्य दिया गया. He's given us that privilege. पिता होने का और बच्चे औलाद कह के एक खास सौभाग्य दे दिया गया है. He's given us a great privilege of being fathers and also being his children. हमारे लिए बड़ा सौभाग्य. It's a great honor and privilege. यीशु ने सारा भुगतान कर दिया है हमारे लिए. Jesus has paid the price. गुनाह की सारी कीमत अदा कर दी है. He has paid the complete price for sin. लहू बहा के हमें खरीद लिया है उसने. He has purchased us by shedding his own blood. शैतान का आप पर कोई हक नहीं है. The devil has no rights over you. वो झूठा और झूठ बोलता है, निराश मायूस करता है, लोगों को गिराता है. He's a liar. He speaks lies. He discourages people. He brings people down. हम अपने पिता के साथ दोबारा रिश्ता जोड़ सकते हैं. But we can re-establish our relationship with God. प्रभु यीशु के द्वारा से आज भी माफी है हमारे लिए. Through the Lord Jesus Christ, even today there is forgiveness for us. आज भी क्षमा मिल जाती है. Even today you can be forgiven. आज भी उसके पास आ सकते हैं हम. Even today you can come to him. उस पिता के सामने हम उसके मोहब्बत को, उसके स्नेह को एहसास कर सकते हैं. You can come before the heavenly Father and experience his love. वो आपसे मोहब्बत करता है, आपको ग्रहण करना चाहता है. He loves you and he wants to receive you. वो जब आप उसके पास आएंगे आपको ना केवल स्वीकार करेगा बल्कि गले में लगा लेगा. सारी नापाकीज़गी, बुराई, गुनाह, गलतियों से आपको पाक साफ शुद्ध करेगा. When you return to him, he will not just accept you, he will embrace you, he will take away all filth and unrighteousness and unholiness from you. मेरी प्रार्थना है, it's my prayer, जहां कहीं है, wherever you are, आप यीशु के द्वारा उस स्वीकृति को स्वीकार करें. You receive that privilege through Jesus. That provision. पिता परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ सके आप. You can establish a relationship with God, your Father. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाह रहा हूँ. I want to pray for you. आप अपनी कमी घटी को प्रभु के चरणों में सुपुर्द करें. Take your lack and your want and bring it to the Lord at His feet. अपने गिले, शिकवे, नाराजगियां सब कुछ उसके चरणों में पेश कर सकते हैं. All your complaints, all your annoyances, you can bring it all at the feet of the Lord. कमी घटी, कमजोरी, प्रार्थना, विनती सब कुछ के चरणों में ला सकते हैं. You can bring your lacks, your wants, what you need, all your prayer requests and petitions at his feet. कहेंगे प्रभु मुझे नया बना. Say to him, Lord, make me new. पाक साफ शुद्ध कर दे. Make me holy and pure. बुराइयों को दूर कर दे. Take away evil and sin. कमियों, घटियों को दूर कर दे. Take away weaknesses and lack. चिंता, फिकर को दूर कर दे. Take away anxiety and tension. सारी हीन भावना को निकाल दे. Take away every guilt complex, every inferiority complex. यीशु के पवित्र नाम से. In the holy name of Jesus. बीमारियां, कमजोरियां जाती रहे. Let sickness and weakness depart. शैतान के सारे हमले यीशु के नाम से जिंदगियों से जाते रहे. Let every attack of Satan upon the lives be gone in the name of Yeshu ke pavitra naam se. In the holy name of Jesus. Achha swas zindagi ka hissa ho.
Good health be a part of your life. Safalta kamyabi aapki zindagi ka hissa ho. Let there be success and victory part of your life. Tarakki aapki zindagi ka hissa ho. Let there be growth and moving forward in your life. Khuda pata parmeshwar ka abhishek aapki zindagi ka hissa ho. Let the anointing of God the Father come upon your life. Prabhu Yeshu ke pavitra naam se main prarthna karta hu. I pray in the holy name of our Lord Jesus. Prabhu Yeshu ki samarth aapke saath ho. The power of Jesus Prabhu be with you. Prabhu ki paak hazuri aapke saath ho. The holy presence of Jesus Prabhu aapka shule aaj. May the Lord touch you today. आपको स्वीकार करें प्रभु यीशु। May the Lord receive and accept you प्रभु यीशु के पवित्र नाम से। In the holy name of Jesus। मैं प्रार्थना करता हूँ। I pray। उस पिता ने हमसे वायदा किया है। That Father has promised us। मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोडूंगा। I will never leave you an orphan। कभी यतीम नहीं छोडूंगा। I will not leave you as an orphan। दुनिया के पृथ्वी के छोर तक मैं सर्वदा तुम्हारे साथ। To the ends of the earth I'm going to be with you। लोग छोड़ सकते हैं। People can forsake you। मजहब छोड़ सकता है। Religion can forsake you। धर्म के अगुवे छोड़ सकते हैं। Religious leaders can leave you। पिता परमेश्वर जिसने जिंदगी बख्शी वो आपको नहीं छोड़ने वाला है। Your Father in heaven, your God who gave you life will never leave you। वो आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। He's hearing your prayers। वो आपको स्वीकार करना चाहता है। He wants to receive। किसी वजह से अगर कोई backslide या ठंडा होके पीछे मुड़ चुका है। If there's anyone who's gone cold and backslidden, मैं आपसे विनती करता हूँ। I request you, यीशु के द्वारा दोबारा आप पिता की मोहब्बत में आ जाएं। Through Jesus, once again, return to the love of God, your Father. उसके स्नेह को, उसकी मोहब्बत, उसके प्यार को महसूस करें। Receive and experience His love. शैतान आपके खिलाफ है, प्रभु आपकी तरफ है। The devil is against you, the Lord God is for you. वो आपको दूर ले जाना चाहता है, पिता परमेश्वर आपको पास करीब लेकर आना चाहता है। The devil wants to take you far away, God your Father wants to bring you close. वो आपको निराश नाराज करना चाहता है, प्रभु आपको खुश करना चाहता है। The devil wants to discourage you, God wants to encourage you and make you pleased. वो आपको आनंद से, खुशी से, दया कृपा से भरना चाहता है। The Lord wants to fill you with joy. प्रभु यीशु के पवित्र नाम with his grace and mercy in the holy name of Jesus. प्रार्थना करता हूँ। I pray. प्रभु की बरकत को, आशीष को, कृपा अनुग्रह को स्वीकार करें। Receive the blessing, the grace and the mercy of Jesus. यीशु के पवित्र नाम से in the holy name of Jesus. Amen. Amen. प्रियजनों, जैसे हर सभा के अंत में हम लोग अतवार के दिन अपने दान दशमांश खुदा उनके चरणों में लेकर आते हैं। Dearly beloved, every Sunday, just as we bring our tithe and offering to the feet of the Lord, आप अपने दान दशमांश खुदा उनके चरणों में सुपुर्द कर सकते हैं। You can bring your tithe, your offering, and present it at the feet of the Lord. जितने लोग हमें चेक या किस तरीके से अपना ड्रॉप करते हैं, उन सब के दान के लिए हम प्रार्थना करेंगे। Everyone who has come and given us a check or dropped it off or sent it through mail, we're going to pray for your offerings. और जितने लोग online virtually website के द्वारा से या online द्वारा से दे रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करें। And everyone who's giving online virtually, we will pray for all your giving. प्रभु आपके दिए हुए दान को जानते हैं। The Lord knows your offering. कैसे दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, प्रभु जानते हैं। How you're giving, how much you're giving, God knows. आप वेबसाइट www.bethlehembpcny.org में जाके दे सकते हैं। You can go to our website www.bpcny.org and give your offering. खुदा उन आपके हाथों की कमाई को जानते हैं। The Lord knows what you earn with your hands. आपकी मनुष्यता को जानते हैं। He knows your desires. आपकी कमी घटियों को जानते हैं। He knows your lacks and your wants. जब आप और मैं उसे देते हैं, तो वाणी कहती है, हम उस पर यकीन, भरोसा, उसका एक बाहरी प्रतिकरण कर रहे हैं। When you give to him, the Bible says you're trusting him and you're making this outward expression. आप अपने शुक्राने की खुशी के साथ, आदर स्नेह के साथ भेंट प्रभु के चरणों में पेश कर रहे हैं। With joy, with honor, with reverence, you're bringing an offering of thanksgiving to the Lord. आप किसी की वजह से किसी दबाव में आके नहीं कर रहे। You don't do this because of someone else or because someone pressurized you. खुशी के साथ सम्मान सत्कार करते हुए। With great joy, with honor and reverence, you do it. खुदा उन इस दान दशमांश को तेरे चरणों में सुपुर्द कर। Father, we bring this offering in tithes at your feet. और जो खुदा उन ऑनलाइन भी लोग दे रहे हैं, उन सब के हाथों की कमाई को आप जानते हैं, उनके दान को तेरे चरणों में सुपुर्द कर। And everyone who's giving online, Lord, you know the work of their hands. You know how much they earn. We bring them to you. हाथों को bless कर। Bless their hands. कामों को bless कर। Bless their works. और खुदा उन उनके दान को आप बरकत से, आशीष से भर दीजिए। And fill their giving, their offering with your blessings. और खुदावन उसे इतना गुणानुवाद करके तेरी बादशाहत की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल होने पर। And Lord, multiply it to the measure that it would grow your kingdom and expand it. और उनकी सारी जरूरतें तेरे स्वर्गीय खजाना से पूरी होने पाएं।
And Lord, may all their needs be met according to your heavenly treasures. उनका पैसा नुकसान में और किसी बुराई में ना इस्तेमाल होने पाए. May their money not be used in any loss-making scheme or in any evil thing. बल्कि हम प्रार्थना करते हैं. But we pray. आप रक्षा का, बरकत का, कृपा अनुग्रह फजल का हाथ रखे. That you put your hand of protection, grace and mercy upon. यीशु के पवित्र नाम से दुआ मांगते. We pray in the holy name of Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. प्रस्तुत करेंगे. We'll praise God. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Let's receive the benediction together. अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगति से भागीता हम सब के साथ तमाम दुनिया में सारी कलीसियों, संत और संतों